अस्सलाम वालेकुम, एस कल्याण किचन में आप सभी का वेलकम है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले आप सभी से अपने पर्सनल बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं बहुत बीमार थी, मेरी छोटी सी सर्जरी करवानी पड़ी। अब मैं माशाल्लाह से अल्लाह के करम से बहुत अच्छी हूँ, आप लोगों की दुआएँ हैं, और अब मैं आ गई हूँ अपने वीडियो की तरफ बनाने। तो आपसे मैं अपनी वीडियो शेयर करने वाली हूँ और वेरी टेस्टी, वेरी यम्मी एंड वेरी इजी रेसिपी लेकर आई हूँ, आलू मटर गोभी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक कढ़ाई, इसमें हम ले लेंगे ऑयल। ऑयल हम ले रहे हैं सब्जियां फ्राई करने के लिए। तब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी सब्जियों में हम थोड़ा इसमें डालेंगे 2 पिंच रेड फूड कलर और 1/2 टीस्पून नमक, और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे सब्जियों का जो कलर है वो बहुत ही बेहतरीन उभर कर आएगा। यहाँ पर मैंने लिया है आलू, और आलू में भी हम इसी तरह से 2 1/2 टीस्पून ले लेंगे फूड कलर और 1/2 टीस्पून लेंगे सॉल्ट, और अच्छे से मिला लेंगे। तो 1/2 केजी 1/2 केजी हमने दोनों को लिया है यहाँ पर। अब फ्रेंड्स, हम सबसे पहले गोभी को फ्राई कर लेंगे, और गोभी को हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे और चलाते रहेंगे लगातार। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर गोभी हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम हमारे जो आलू है उसे भी फ्राई कर लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक, क्योंकि ये हार्ड होते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है फ्राई होने में। इसे भी हम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो हमारा जो आलू है वो भी हो चुके हैं फ्राई। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 3 तेज पत्ता, और यहाँ पर हम डालेंगे 4 बड़े प्याज जिसको हमने इस तरह से लंबी स्लाइस में कट कर लिया है, और इसे ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे जो प्याज है वो ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम हरे मटर, ये ताज़ा मटर है, फ्रोजन मटर नहीं है, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो क्यों ना हम ताज़े मटर की ही सब्जियाँ बनाएं, हेल्दी और टेस्टी। इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर लेंगे हम 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें डालेंगे हम टमाटो प्यूरी 1 कटोरी भरकर, तकरीबन 2 टमाटो प्यूरी बनाई है हमने 2 टमाटर की। अच्छे से मिला लेंगे सभी मसालों को, और इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। तो नमक का आप ध्यान रखें कि हमने आलू और गोभी में भी नमक डाले थे, इस हिसाब से आप इसमें नमक ऐड करें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारे मसाले रेडी हो चुके हैं, अब हम आलू डाल देंगे और अच्छे से हम सभी मसालों के साथ में इसे मिला देंगे। अब हम इसमें जो गोभी है वो भी ऐड कर देंगे। वेरी इजी, वेरी टेस्टी रेसिपी फ्रेंड्स, जो झटपट से बन जाने वाली है और बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और अच्छे से इसे भी हम मिला लेंगे। और हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 छोटे ग्लास के मेजरमेंट के हिसाब से पानी, क्योंकि जो गोभी तो सॉफ्ट होती है लेकिन आलू जो है उसे थोड़ा सा हल्का सा कच्चापन रह जाता है, जो कि इसे हमें पकाना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें कसूरी मेथी जो है वो ऐड करेंगे, इससे जो हमारे सब्जियों का टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा। अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारी सब्जियाँ जो है वो बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो मटर आलू गोभी की सब्जी है वो बनकर रेडी हो गई है, वेरी टेस्टी वेरी यम्मी। तो फ्रेंड्स, आप रोटी के साथ, चपाती के साथ, राइस के साथ इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।